सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन शर्मा है और आप इस वक्त देख रहे हैं नाइट बल्ब। 23 मार्च 1931 के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने देश के 3 महान क्रांतिकारियों को मौत की सजा दी थी। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु ने वात्रे वतन के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज हम आपको इनकी टोली से जुड़ी एक ऐसी महिला क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जिन्हें भले ही इतिहास के पन्नों में काफ़ी कम जगह मिली हो, लेकिन हर भारतीय के दिल में वह हमेशा अमर रहेंगी। इनका नाम था दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी ने शहीद भगत सिंह को शुरुआत से ही हर पल मदद की थी। दुर्गावती देवी से भगत सिंह की मुलाकात हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की वजह से हुई थी। दरअसल दुर्गावती देवी के पति भगवती चरण वोरा HSRA के मेंबर थे। दुर्गावती देवी को सबसे ज़्यादा उस कारनामे के लिए याद किया जाता है जब उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह को बचाने में मदद की थी। 19 दिसंबर 1918 के दिन राजगुरु ने क्रांतिकारी दुर्गावती देवी से मदद मांगी, जिसको उन्होंने मना नहीं किया। भगत सिंह ने पुलिस से बचने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे। सुखदेव और भगत सिंह जब दुर्गावती देवी के घर पहुंचे, जहां दुर्गावती भगत सिंह को पहचान नहीं पाई, ऐसे में दोनों ने समझ लिया कि अगर दुर्गावती नहीं पहचान पाई तो पुलिस भी नहीं पता लगा पाएगी। इसके बाद सुखदेव भगत सिंह के नौकर बने और दुर्गावती अपने 11 साल के बेटे के साथ भगत सिंह की पत्नी बनकर निकल पड़ी। भगत सिंह शहर से निकलने के लिए रेलवे स्टेशन गए, जहां उन्होंने 3 टिकटें खरीदी। एक टिकट सुखदेव की साधारण भोगी के लिए और 2 VIP टिकटें खरीदी। दुर्गावती भगत सिंह की पत्नी बनकर ट्रेन में चढ़ी और पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुई। यह किस्सा बॉलीवुड के एक मशहूर कलाकार अजय देवगन की फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी बड़े ध्यान से, बड़े करीने से दिखाया गया है। जी हाँ, भगत सिंह के साथ रेलवे स्टेशन पर उतरी वह महिला ही दुर्गावती देवी थी। इतना ही नहीं, दुर्गावती देवी ने कई बार भगत सिंह की मदद की थी। बटुकेश्वर दत्त के साथ जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था और गिरफ्तारी दी थी, तो उन्हें छुड़ाने के लिए दुर्गावती देवी ने अपने गहने और कीमती सामान बेचे थे, जिससे उन्होंने 3,000 रुपये इकट्ठा किए थे। दुर्गावती देवी को ब्रिटिश हुकूमत से कतई डर नहीं था। उन्होंने कुतुब रोड स्थित विमल प्रसाद जैन की बम बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम किया था। इस फैक्ट्री का नाम हिमालयन टॉयलेट सोप था, ताकि ब्रिटिश हुकूमत को इस फैक्ट्री की भनक भी ना लग सके। आपको दुर्गावती देवी के ऐसे हिम्मती कारनामों को देखकर कैसा लग रहा होगा? दोस्तों, ये वक्त ही ऐसा था जब हर एक भारतीय के दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था देश की आज़ादी। दुर्गावती देवी जैसे कई क्रांतिकारी देश में जन्मे हैं, जिनको इतिहास के पन्नों में शायद 4 शब्द भी ना मिले हों। आज हम उन सभी क्रांतिकारियों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। हमारे विशेष कॉलम रियल हीरोज़ की ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग, ऐसी ऐतिहासिक खबरें आपको रोज़ाना मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।